क्वेश्चन है, एक वृत्त ए पी क्यू है, भुजा पी क्यू को बिंदु आर पर तथा भुजाओं को ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बी और सी बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। यदि ए पी क्यू का परिमाप 30 है तो ए बी की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो भाई ये आपका एक सामने ट्रायंगल हो गया, ये आपके सामने क्या हुआ, एक ट्रायंगल हो गया, और एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अच्छे से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये आपके सामने एक ट्रायंगल हो गया, देन ये हो गया एक सर्कल जो कि इसके बराबर हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और भी बनाना पड़ेगा बड़ा, जहाँ तक लग रहा है कि अब देखो भाई हमें बढ़ाया जाता है साइड्स को, यानी कि इस साइड को मैं इधर बढ़ाऊँगा इस तरीके से, देन इसको मैं इधर बढ़ाऊँगा इस तरीके से, तो ये क्या होंगे, टच होंगे, ये इस तरीके से टच होगा ऐसे, इसको मान लो भाई ये टच हो रहा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बन जा रहा है ये, इसमें टच हो रहा है इधर। अब इसका नाम हम दे देते हैं क्वेश्चन में, ए हो गया ये, पी हो गया, क्यू हो गया, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, देखो आर पॉइंट पर टच कर रहा है, आगे बढ़ाने पर ये बी पर टच कर रहा है या सी पर टच कर रहा है, ठीक है। बोला क्या गया है हमें, बताइए कि ए बी की लेंथ बताइए, इसका और इसका लेंथ हमसे पूछा गया है, और हमके इससे परिमाप जो है इसका बोला गया कितना भाई, 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है, टेंजेंट है, पी से लेकर बी तक क्या है, टेंजेंट है, पी से लेकर आर तक क्या है, टेंजेंट है, और सर्किल के सेम पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी, होंगी ना, उसी तरीके से ये लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। तो जो यहाँ से प्रॉपर्टी होती है भाई, जो यहाँ से प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी हम अगर जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है, ठीक है, जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है भाई, आपका हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी बराबर ये हो जाएगा कि आपका ए सी, एंड पी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई, पी बी बराबर हो जाएगा पी आर, ठीक है, पी बी बराबर हो जाएगा पी आर, एंड क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा आर सी, ठीक है, क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका आर सी। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो हमसे क्या बोला गया कि ए बी का लेंथ बताइए, तो ए बी का लेंथ बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ से पेरीमीटर दिया रहता है, जो भी यहाँ से पेरीमीटर दिया जाता है उसका बस सिंपल क्या करना है, आपको आधा कर देना है, सिंपल आपको आधा कर देना है, क्योंकि यहाँ से होता है भाई ये क्या करेंगे, ए पी इंटू पी बी, ठीक है, ए पी इंटू पी बी प्लस में ए क्यू इंटू सी क्यू हम करेंगे ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, आप इक्वल होंगी, क्योंकि सेम पॉइंट से हम टेंजेंट भी ड्रॉ करें तो हमने देखा कि भाई ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये और ये लेंथ भी आपस में इक्वल होंगी, होगी ना। तो अब देखो क्या कि ए बी हम मैं लिख भी देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ए पी प्लस पी बी प्लस ए क्यू क्यू ए प्लस क्यू सी, तो देखो ए पी और क्यू ए और क्यू सी ये क्या हो जाएगा, ए बी के लेंथ के बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी के लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी बराबर टू ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ आपस में इक्वल है, तो इसको ए बी मान सकते हैं, इसको भी ए बी मान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई टू ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, टू ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, तीस, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 30 बटे में 2 इक्वल्स टू 15, ए बी इक्वल्स टू 30 बटे 2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 15, क्योंकि पेरीमीटर हमने देखा कि भाई सबको जोड़कर पेरीमीटर होता है, और हमने आपको बताया भी पहले कि हमने यहाँ से बताया भी कि भाई हमने आपको बताया भी, मैं यहाँ से लिख भी दूँ क्या, लिख दूँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट length of the tangent drawn from
एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, तो आपको सिंपल अगर पैरीमीटर दे रखा हो, अगर यहाँ पे ए बी का लेंथ पूछे या फिर ए सी का लेंथ पूछे, सिंपल पैरीमीटर का क्या करना है भाई, आपको आधा करना है, देन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा।